को मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा हटके है और स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो ज्यादातर मेरे वीडियो का कुछ कमेंट ऐसा है जो कि मुझे मजबूर कर दिया है वो वाला वीडियो बनाने के लिए। और आज का जो वीडियो है, मैं जो मैरिज पेंटिंग करता हूँ, जो वॉल में दीवार में जो पेंटिंग करता हूँ वो वाला कौन सा कलर होता है और कैसे वो वाला कलर को मैं घोलता हूँ और कैसे यूज करता हूँ और कौन सा ब्रश यूज करता हूँ, उसके बारे में आप सबको मैं अपना डिटेल और वो कलर को मैं कैसे घोलता हूँ, कैसे सब ये करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वीडियो को आप फास्ट से लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे, आप अगर एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, तो अगर इस वीडियो को आप काटेंगे या स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा फास्ट से लेकर लास्ट तक देखिए और एक एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके हर लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे वाले वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वाला वीडियो ही मेरे चैनल पे हमेशा छोड़ता हूँ। आइए वीडियो को देखते हैं। कलर मैं अभी यहाँ रख चुका हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले आपको मैं फ्लोरोसेंट कलर के बारे में बताता हूँ। ये वाला ज्यादातर पाउडर कलर होता है, ठीक है, और इसमें क्या घोला जाता है, मोहिनी पेस्ट। आप फेविकोल भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पाउडर कलर दीवार में चिपकता नहीं है, वो गिर जाता है सूखने के बाद, ठीक है। उसके बाद फेविक्रिल कलर, जो कि आप देख रहे हैं वो मार्केट में ऑलरेडी मिल ही जाता है। उसके बाद प्लास्टिक ग्लास की यही बहुत बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि ये ज्यादातर हमें बहुत काम में आता है और इस वीडियो में उसका क्या काम है मैं बताऊंगा, और उसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है। आइए, जो कलर घोलते हैं वो मैं कैसे घोलता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो ब्रश यूज करता हूँ वो वाला ज्यादातर हेयर वाला ब्रश है, बाल वाला, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक वाला ब्रश और इसी ब्रश में बहुत अंतर होता है। प्लास्टिक वाला ब्रश में क्या होता है, जब हम कलर में उसे डुबाते हैं तो कलर को पकड़ने का मतलब कलर को ये जो पकड़ता है उस कम हिसाब से पकड़ता है, लेकिन ये वाला अगर हम एक बार डुबा लेते हैं तो कहीं मतलब 3-4 बार लिख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वो ब्रश में नहीं होता, क्योंकि उसका क्षमता ज्यादातर कम होता है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर 8 नंबर, 10 नंबर और ज्यादातर 4 नंबर, ये वाला शॉर्ट हेयर है, 8 और 10 का ये वाला लॉन्ग हेयर है और मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम घोलेंगे, कैसे घोलेंगे, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले से ही मैं पिंक कलर को ऑलरेडी इस प्लास्टिक ग्लास के अंदर रख चुका हूँ, दे चुका हूँ, तो मैं उसे अभी घोलूंगा। आइए आप देखिए, पहले मुझे क्या करना है कि इस पिंक कलर के अंदर मुझे मोहिनी वाला पेस्ट को डालना है, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं जितना कलर लिया था उसके हिसाब से मैं करूंगा। अभी मैं उसको क्या करूंगा, थोड़ा पानी, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा हम लेंगे तो क्या होगा, एक एक मतलब बैलून जैसा बन जाता है और कलर क्या होता है, पानी में, पानी के ऊपर आ जाता है, ताकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। पहले हमें थोड़ा सा पानी, पेस्ट, ये सब वगैरह और कलर को ये करके ब्रश को प्लास्टिक ग्लास के अंदर घुमाना है, ताकि ये एक क्रीम की तरह हो जाएगा। देखिए, कोई भी गुब्बारा, छोटा छोटा गुब्बारा भी नहीं है, वो ऑलरेडी मिल चुका है। अब मुझे जितना पानी देना है मैं वहां उतना पानी दूंगा, ठीक है, जो कि कलर रेडी हो चुका है। वैसे ही आप सभी कलर को ऐसे मिक्स कर सकते हो, फ्लोरोसेंट वाला कलर को, ठीक है। फेविक्रिल अपने आप पानी वो मिल जाता है, पानी में मिल जाते हैं डायरेक्ट और उसे करते हैं, लेकिन ये वाला को खूब पेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये दीवार में चिपकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टिक ग्लास का ज्यादातर जो भूमिका ज्यादा था, मैं जो आप लोग को बोल रहा था इसके बारे में बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी तो कलर एक काम में आया कि कलर मिक्स हो गया, दूसरे काम में इसलिए वो आया क्योंकि मेरे पास जो स्प्रेयर होता है, जो मतलब फूंक देता हूँ मैं कलर को, उसे ज्यादातर मददगार होता है वही प्लास्टिक ग्लास में, क्योंकि जब मैं उसे पकड़ता हूँ, जब उसके अंदर ये स्प्रेयर को मैं देता हूँ, तब मैं अपने हिसाब से ग्लास को तोड़ सकता हूँ, मोड़ सकता हूँ, पकड़ के
रख सकता हूँ और मैं फूंकता हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर इससे में काम आता है। क्योंकि अगर दूसरे आप अगर कोई ग्लास वगैरह ऐसा पकड़ेंगे तो ऐसा मतलब होगा नहीं, ऐसा उसका आकार होगा नहीं, आप ऐसे कम्फर्टली आप पकड़ सकते हैं उसे। इसीलिए है इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक ग्लास में फूंक देने में बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि मैं प्लास्टिक ग्लास को जैसा करूं वैसा ये रह सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे चीजों में ये सब नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर आपको इसी ग्लास को यूज करना पड़ेगा जबकि आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद मैं और एक कलर का ज्यादातर यूज करता हूँ जो कि व्हाइट डिस्टेम्पर, ठीक है। व्हाइट कलर के बजाय मैं डिस्टेम्पर को भी यूज करता हूँ, ज्यादातर वो काम में आता है। और भी बहुत तौर तरीका है, बहुत भी डिजाइन कलर है, वो सब यूज तो मैं करता हूँ लेकिन इसी वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है। अगर दूसरा कुछ अगर टेक्निक आए तो दूसरा कुछ टेक्निक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोगों का एक एक कमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि मैं जो अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आप लोगों को कैसा लगा और क्या कुछ कलर को कैसे कलर कर मिक्स कर सकते हैं, कृपया आप एक एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।